रोजगार विभाग देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। विभाग में एक बार फिर से मसला किसानों से जुड़ा हुआ है और समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि स्थिति क्या है इस वक्त। चलिए शुरुआत करते हैं विभाग की और आपको बताते हैं कि दिल्ली की सरहद पर डटे हुए किसान और उनसे जुड़ा हुआ उनका आंदोलन, सरकार की स्थिति, इन तमाम चीजों को रिसर्च के साथ। विभाग में आज सबसे पहले लोकसभा की बात करेंगे, राज्यसभा की बात होगी। किसानों का मुद्दा दोनों ही सदनों में उठा है, जोरदार तरीके से उठा है। विपक्ष ने जमकर हंगामा भी इस पूरे मसले पर किया है और कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की मांग पूरी तरीके से विपक्ष की तरफ से की गई। इन दिनों दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद है, क्योंकि दिल्ली की सरहदों पर किसान आंदोलनरत है। तो वहीं संसद में भी किसानों का मुद्दा गर्म है। मंगलवार को राज्यसभा में विपक्षी दलों ने किसानों की मांग पर चर्चा के लिए जमकर नारेबाजी की, सरकार विरोधी नारे लगाए गए और कृषि कानून वापस लेने की आवाज बुलंद की गई। वहीं लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान 150 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। ऐसा लगता है कि हम फिर से ब्रिटिश काल में जा रहे हैं। इस बात पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार किसान संगठनों से बात कर रही है। तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार संसद के अंदर और बाहर किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। कि सदस्य अगर किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। आज भी प्रश्न काल में बड़ी संख्या में प्रश्न कृषि और कृषि कल्याण से संबंधित थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी आग्रह किया अगर आज प्रश्नों पर चर्चा होती तो मैं समझता हूँ आधी चर्चा पूरी हो गई होती, लेकिन सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया है। ये सदन का समय बर्बाद हो रहा है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ, किसानों से चर्चा में सरकार पूरी तरह मैंने आसन से व्यवस्था की है कि माने किसान आंदोलन का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक पहुंच चुका है। लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, किसानों का मुद्दा हर जगह गर्म है। तो वहीं सरकार किसानों से बातचीत को राजी है। अब ऐसे में सवाल एक ही है कि क्या किसानों की समस्या का हल हो पाएगा? क्या इन तीन कृषि कानूनों को सरकार रद्द करेगी या फिर कोई बीच का रास्ता निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब आपको दिल्ली की सरहदों की तरफ लेकर चलेंगे और तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे आपको कि दिल्ली की सरहद किस तरीके से छावनी में तब्दील है, किले में तब्दील हो गई है इस वक्त दिल्ली। ये दिल्ली की सरहदें हैं साहब, जिसे किले में तब्दील कर दिया गया है। एक नहीं, दो नहीं, 10-10 लेयर के सुरक्षा में दिल्ली को कैद कर लिया गया है। ये डर है जनाब, कहीं फिर से 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा का नजारा देखने को ना मिल जाए। और ऐसे में दिल्ली पुलिस लगातार सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाती जा रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस का पहरा पहले के मुताबिक 10 गुना बढ़ा दिया गया है, ताकि किसान और उनके ट्रैक्टर दिल्ली में दाखिल न हो सकें। इस वक्त हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। तस्वीरों की वानगी दिखाते हैं कि किस तरीके से दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर किले में तब्दील हो गया है। अलग अलग लेवल की जो बैरिकेडिंग है वो दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। लगभग 10 से 12 लेवल की जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और हम दिखाते हैं कि किस तरीके से जो बैरिकेडिंग है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। पहली बैरिकेडिंग इस तरीके से जो बैरिकेड होते हैं पुलिस के, उनके द्वारा की गई है, और ये कई लेवल की बैरिकेडिंग है। सीधे, तिरछे, तमाम तरीके से बैरिकेड लगाए गए हैं। फिर ये जो कांटों के तार हैं, कंटीले तारों की जो फेंसिंग है, जो हमने देखा है कि बॉर्डर होते हैं वहां पर देखने को मिलते हैं, वहां पर इस तरीके के गाजीपुर बॉर्डर पर इस तरीके की जो बैरिकेटिंग है फिलहाल देखने को मिल रही है। इसके आगे हम अगर दिखाना चाहें तो जो पत्थर है उनकी जो बैरिकेटिंग है वो देखने को मिल रही है, और पत्थर के आगे जो एक विशेष बैरिकेटिंग जो देखने को मिल रही है कि जो दो ब्लॉक है पत्थर के, उनमें सीमेंट भर के जो बैरिकेटिंग है वो
जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको जो है बिल्कुल पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दिया जाए। उसके आगे कई लेवल बैरिकेटिंग है, फिर उसके बाद जो तमाम जवान है फोर्सेस के वो जो है बैठे हुए देखने को मिल रहे हैं। वाटर कैनन की जो गाड़ियां हैं वो खड़ी जो है देखने को मिले, इस तरीके की तमाम जो बैरिकेटिंग है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जो है देखने को मिल रही है। ये इस वक्त हम पुल के ऊपर खड़े हुए हैं। ये जो रोड है ये दिल्ली को जो है नोएडा से जोड़ता है, गाजियाबाद से जोड़ता है, और गाजियाबाद को जो है दिल्ली से कनेक्टिविटी इस रोड की जो है देखने को मिलती है। फ्लाई ओवर ये है, लेकिन अब पूरी तरीके से जो कनेक्टिविटी है वो जो है बंद देखने को मिल रही है। इसके चलते जो आसपास के लोग हैं या फिर जो कम्यूटर्स हैं उनको जो है परेशानियों का जो सामना है वो कहीं ना कहीं जो है करना पड़ रहा है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर जो एक कदम है वो उठाया लगातार जा रहा है। कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करें कि वो किस तरीके से इसको जो है सोच रहे हैं, तब ये बैरिकेटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहला मन में क्या विचार आता है इस बैरिकेटिंग को देख के? हमारा तो ये मन में विचार आता है कि ये हमसे इतना किसानों को आतंकवादी समझ रहे हैं कि ये आतंकवादी आ जाएंगे। पाकिस्तान के बॉर्डर पर तो इतना रखवाली करते नहीं है ये लोग, और हमें तो ये आतंकवादी समझ रहे हैं। हमारे धरना को, हमारे किसान भाइयों को तो ये आतंकवादी समझ रहे हैं ना, तो इतनी बैरिकेडिंग लगाई है इन्होंने, कोई आम आदमी भी नहीं निकल सकता है। एम्बुलेंस कितनी परेशानी हो रही है इस बैरिकेडिंग के सब? आम आदमी को हो रही है, हमको तो कोई परेशानी नहीं हो रही है, हम तो आप शांत बैठे हैं। आप यहाँ पे कई दिनों से होंगे, क्या हाँ, कितनी लोग जो है आने जाने में उनको परेशानी हो रही है? एम्बुलेंस आती है, हमने वो भी हटा दिया है कि यहाँ से आप यहाँ तक देखे आओ। तो ये हम पे इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने ये देखो किसानों ने ये परेशानी कर रहे हैं किसानों को, मरीजों को। चाहिए थी 26 जनवरी को पूरी घटनाक्रम हुआ दिल्ली में, तमाम जो लोग हैं उससे पहले करनी चाहिए थी, आप कर रहे हैं ना, तो किले में ही नहीं की इन्होंने, जो किले में 9 हमको 11 बजे का टाइम था, इन्होंने वो आदमी 9 बजे ही भेज दिया। इनकी मिली साजिश थी, इनकी मिली वही है सब। पूरे अमित शाह के संग में इनके फोटो है, मोदी जी के संग में फोटो है, सनी देओल जी के संग में फोटो है इनके। तो इससे ये माल होता है कि ये आरएसएस वाले, ये बीजेपी वाले तो भेज रहे हैं ना, हमारा किसान का कोई आदमी नहीं जाता है। लोगों को परेशानी का जो सामना है वो कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ ये बैरिकेटिंग पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं देखने को मिली। और ये बैरिकेटिंग ना सिर्फ इस बॉर्डर की बात करें या फिर जो तमाम अन्य जो बॉर्डर्स हैं, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर या फिर टीकरी बॉर्डर की बात करें, वहां पर भी जो इस तरीके की बैरिकेटिंग है वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो है की जा रही है। और उसके साथ साथ खासतौर पर जो सड़कें हैं उनमें जो कीले हैं वो जो है लगा दी गई है, ताकि अगर किसी तरीके से जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उनके जो टायर है वो इन्फ्लेट हो जाए, वो जो है पंचर हो जाए, ताकि लोग आगे ना बढ़ सके और शांतिपूर्वक जो माहौल है वो कहीं ना कहीं जो है क्रिएट हो सके। हालांकि इसके जरिए जो लोग हैं उनको जरूर परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। वह इन तस्वीरों को देखकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि भारत सरकार आप पुल बनाइए दीवार नहीं। वही राहुल गांधी के ट्वीट करने के कुछ देर के बाद ही प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने किसानों को रोकने के लिए की गई बैरिकेडिंग का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जी अपने किसानों से ही युद्ध। बेशक दिल्ली के सरहदों पर इतनी जबरदस्त बैरिकेडिंग की वजह पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन विपक्ष को मुद्दा बनाना जरूर है। कैसे किसान को दिल्ली में बढ़ने से रोका जाए, इसके लिए कंक्रीट की दीवार बना दी, सरिये लगा करके, नुकीले सरिये जो है उनको मोड़ करके खड़ा कर दिया गया ताकि कोई उस तरफ जा ना सके। 12 चरण की बातचीत हो चुकी, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मेरे एक भवन की और की जरूरत है, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने ये 12 राउंड की जो बातचीत करी थी ये बिना प्रधानमंत्री के इशारे पे? अगर प्रधानमंत्री जी की नीयत ठीक हो तो फिर आज 70 दिन हो गए किसान को अपना घर बार खेत बच्चे छोड़ करके यहाँ बैठने की जरूरत। खैर, दिल्ली पुलिस का डर वाजिब भी है, क्योंकि पिछली बार तथाकथित किसान अपने वादे से जो मुकर गए थे शांति की बात कहकर हिंसा पर जो उतर गए थे। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। 26 जनवरी के बाद से जिस तरीके से राकेश टिकैत उभर कर सामने आए हैं, किसान लीडर के तौर पर पहले भी थे लेकिन इस वक्त ग्रिप उनकी ज्यादा मजबूत है। अब लगातार राजनेता उनसे मुलाकात कर रहे हैं। शिवसेना मुंबई से पहुंचकर गाजीपुर जाती है और उनसे मुलाकात करती है। इसके अलावा कई राजनेता ऐसे हैं जिन्होंने उनसे मुलाकात की है। समझिए इन मुलाकातों के मायने।
राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। बेशक मौजूदा वक्त में इस आंदोलन का केंद्र गाजीपुर बॉर्डर बन गया हो, लेकिन सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में आंदोलनकारी मौजूद हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की सियासत भी जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को शिवसेना के नेता संजय राउत और अरविंद सावंत राकेश टिकैत से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान शिवसेना नेता संजय राउत और अरविंद सावंत ने कहा कि जिस तरह से यहां दहशतवाद हो गया, जिस तरह से हमारे किसानों को कुचलने की कोशिश की गई, उससे लगा कि महाराष्ट्र के लोगों का भी कर्तव्य है कि वो उनके साथ खड़े रहें। हमारी संवेदना और पूरा राज्य, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे और हम सब किसानों के साथ हैं। सरकार को किसानों के साथ कायदे से बात करनी चाहिए, अहंकार से देश चलाने में मदद नहीं मिलेगी। पूरे देश के किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है ना, उसको पूरा समर्थन है। और महाराष्ट्र से खास करके आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने मुझे खास भेजा है यहाँ हम सबको, टिकैत साहब को मिलने के लिए, कि हमारी पूरी ताकत शिवसेना सरकार आपके साथ है ये कहने के लिए मुझे भेजा है। मेरे साथ हमारे पूरे सांसद गण यहाँ, और मुझे लगता है एक दो दिन में उद्धव ठाकरे साहब खूब बात करेंगे टिकैत साहब से। विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि राज्यसभा में कृषि कानूनों पर चर्चा हो, इस पर मांग करने से कुछ नहीं होगा। ये आंदोलन सड़क का है, सड़क पर रहेगा। ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है। सबको विरोध किया था कि कोई राजनीतिक पार्टी या दल यहाँ ना आए, सब गए, किसी को मंच मंच पर नहीं आने का था, आए हैं। और जब 26 तारीख के बाद जिस तरह से यहाँ दहशतवाद हो गया, यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का, कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे और कहे कि पूरा राज्य, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब और हम सब उनके साथ हैं, ये कहने के लिए मैं सिर्फ यहाँ आया। वही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये किसान आंदोलन इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, ये आंदोलन लंबा चलेगा। नवंबर तक चलेगा, तैयारी हमें अक्टूबर और नवंबर तक ही करनी है। ये आंदोलन अभी नहीं खत्म होने का, और जिस हिसाब से नौजवान आए हैं मेरे साथ, मैं धन्यवाद करता हूँ, सलाम करता हूँ उनको। ये आंदोलन नौजवान चलाएगा। वैसे ये कोई नई बात नहीं है जब कोई राजनीतिक दल का नेता राकेश टिकैत से मिलने पहुंचा हो। इससे पहले श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल राकेश टिकैत को सम्मानित करने पहुंचे थे। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी राकेश टिकैत से मिल चुके हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, कांग्रेस नेता अलका लांबा, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता उनसे मुलाकात कर चुके हैं। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि जब से किसान नेता राकेश टिकैत भावुक हुए हैं और जब से उनके आंसुओं ने इस आंदोलन में नई जान फूंकी है, तब से राकेश टिकैत से मिलने की होड़ राजनीतिक दलों के नेताओं में लगी है। क्योंकि इस देश में इस वक्त सबसे अहम मुद्दा किसानों का है, जिसे वोट बैंक में तब्दील करना आसान हो सकता है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। किसान अब 6 फरवरी को देश का चक्का जाम करने वाले हैं। स्ट्रेटजी पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है, वक्त भी मुकर्रर कर लिया गया है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए किसान भी तैयार हैं और इसके लिए सरकार भी तैयार है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर करीब 2 महीनों से लाखों किसान आंदोलनरत है और ये किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर अड़े हैं। लेकिन सरकार कृषि कानूनों के पक्ष में किसानों को समझाने में जुटी है, लेकिन किसानों और सरकार के बीच गतिरोध थमने के बजाय अब बढ़ता जा रहा है। आंदोलन और ज्यादा तेज होता जा रहा है, जहां किसान संगठनों ने 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम करने का फैसला कर लिया है। वही बता रहा हूं कि परमात्मा के बाद राजा जो है वो जनता का रखवाला होता है, और जब राजा ही शोषणकारी हो जाए, जब राजा ही गुमराह करने वाला हो जाए, जब राजा ही जनता की बात ना सुने, जिसकी जनता सड़कों पे पड़ी हो ठंड में 2 डिग्री टेम्परेचर पे, उस राजा को नींद नहीं आनी चाहिए, और वो राजा जो है वो राज काबिल नहीं होता। 6 तारीख का 3 घंटे का जो है वो रोड जाम है, मैं यहाँ कहना भूल गया हूँ,
छः तारीख को 12 बजे से 3 बजे तक अपनी सभी मांगों को लेकर रोड जाम का प्रोग्राम है। वहीं किसान नेताओं का आरोप है कि बजट 2021 और 22 में किसानों की अनदेखी की गई। किसान नेताओं का ये कहना है कि सरकार ने इस बजट में कृषि सेक्टर का आवंटन घटाया है, किसान पर एलोकेशन घटा दिया है। डायलॉग अच्छे दिए, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि किसान को इससे इनकम दोगुनी हो जाएगी, लेकिन सच्चाई पता क्या हुआ है? सच ये है कि किसान का एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज के लिए भारत सरकार का बजट जो पिछले साल 1,54,000 करोड़ था, वो घटा के 1,48,000 करोड़ कर दिया गया है। ये बजट किसान के साथ धोखा है। किसान और किसान आंदोलन इस धोखे को जनता के साथ कोने कोने तक पहुंचाएंगे। इन सबके बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में पाकिस्तान साजिश रच सकता है। ऐसे में हालात बेकाबू होने से पहले केंद्र सरकार को यह मुद्दा सुलझा लेना चाहिए। वहीं 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम को लेकर एहतियातन प्रशासन ने धरना स्थलों के आसपास वाले इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद करवा दी है। साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है, जिसके तहत करीब 10 लेयर बनाई गई है, क्योंकि सरकार को डर है कि कहीं एक बार फिर से 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा का नजारा देखने को न मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। गतिरोध जो सरकार और किसानों के बीच बना हुआ है, एक जिद जो दोनों तरफ से बनी हुई है, इस जिद को तोड़ेगा कौन? ये गतिरोध टूटेगा कैसे? जब तक गतिरोध टूटेगा नहीं, एक वातावरण ऐसा नहीं बन पाएगा जहां हम समाधान की ओर चीजों को देख पाए। देखिए इस रिपोर्ट को। केंद्र सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध कब टूटेगा और कैसे, ये सवाल वो है जो आज देश की जनता के जहन को कुरेद रहा है। इसी बीच देर से ही सही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकारात्मक पहल कर दी है, जिसके तहत किसानों और सरकार के बीच कृषि सुधारों के मुद्दे पर महज एक कॉल की दूरी बताई गई। वार्ता के दरवाजे खुले हैं और कृषि मंत्री का किसानों को बातचीत के लिए दिया गया न्योता भी बरकरार है। ऐसे में लगातार बढ़ता हुआ किसान आंदोलन जहां सामाजिक आक्रोश का रास्ता है, तो वहीं कानून व्यवस्था को भी बड़ी चुनौती मिल रही है। राजधानी को जोड़ने वाले मुख्य राजमार्गों पर किसान आंदोलन के चलते जहां नागरिक परेशान है, तो वहीं सरकार को भी रोज करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसे में किसानों की भी जिम्मेदारी है कि वे समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी उससे ज्यादा है। करीब 2 महीनों से दिल्ली की सरहदों पर जारी धरने का समाधान न निकल पाने से किसानों में आक्रोश है, और अब ये आक्रोश धरना स्थल के आसपास के गांवों में भी दिखाई देने लगा है, जिसकी सामान्य गतिविधियां इस आंदोलन से थम सी गई है। दरअसल सरकार और किसानों के बीच बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है। सिद्ध न सरकार की तरफ से सही है और न ही किसानों की तरफ से। बेशक सरकार की मंशा कृषि कानूनों के जरिए किसानों को फायदा पहुंचाने की हो सकती है, लेकिन इन कानूनों को लाने और पास करने में जल्दबाजी किसानों को रास नहीं आ रही। ऐसे में राजनीतिक दलों ने इस विवाद को जनाधार जुटाने के मौके के रूप में लेना शुरू कर दिया है। शुरुआती दौर में राजनीतिक दलों से परहेज की बात किसान करते नजर आते थे, लेकिन इन दिनों राकेश टिकैत से मिलने तमाम राजनीति के दिग्गज पहुंच रहे हैं। खैर, कृषि कानूनों पर सरकार को किसान का विश्वास हासिल करना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में उस बिरादरी पर कानून नहीं थोपे जा सकते जो उनसे सहमत ना हो। ऐसे में सरकार और आंदोलनकारियों को मिल बैठकर बीच का रास्ता निकालना होगा, जो महज बातचीत से ही संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इसी के साथ विभाग में आज के लिए बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।